स्टूडेंट संस्कृति क्लास में आपका स्वागत है। तो हमने आपका एक पहले पार्ट का अनुवाद और पहले पार्ट का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया था। मुझे आशा है कि आपने इसको नोटबुक में नोट भी कर लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। आज हम ले रहे हैं आपका तीसरा पार्ट जिसका नाम है गोधन। गोधन से मतलब होता है जो आपके दूध वाले होते हैं, जो बाले होते हैं, जो गाय का दूध निकालते हैं उसे कहते हैं गोधन। तो एक नाटक है जिसमें थोड़े से अंश लेकर के आपके इस पार्ट की रचना की गई है। तो नाटक का पहला दृश्य हमने लिया है, पहले दृश्य से पिछवाई ने अपने इंद्र द्वार कर लिया। तो देखिए मल्लिका मोदकानी रचयन्ति। मल्लिका एक स्त्री का नाम है जो आपके इस नाटक की पात्र है। तो मल्लिका मोदकानी यानी लड्डू और रचयन्ति यानी बना रही थी। मतलब नाटक चल रहा तो दृश्य में पहले दृश्य में दिखाया जा रहा है कि मल्लिका लड्डू बना रही है। मंद स्वयं और धीमे स्वर से यानी धीरे आवाज में शिव शिव की स्तुति भी कर रही है। मल्लिका लड्डू बना रही है और मंद स्वर से शिव की स्तुति भी कर रही है। तथा तभी प्रविशति यानी प्रवेश करता है, तभी आता है। कौन आता है? मोदक सुगंधम, लड्डुओं की सुगंध को अनुभवन अनुभव करते हुए प्रसन्न मना प्रसन्न मन से चंदना यानी चंदन। लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन वहां चंदन कौन है? जो ये आपका नाटक का पात्र है मल्लिका, इसका पति है। मल्लिका उसकी पत्नी है और चंदन इसका पति है। तो मल्लिका लड्डू बना रही है, शिव की स्तुति गा रही है। तो लड्डू की सुगंध को अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन वहां पर प्रवेश करता है। आप जानते हैं कि किचन में अपनी मम्मी जब लड्डू बनाए हलवा बनाए उसको सारे घर में फेंक जाते हैं, पता चल जाता है कि तो अच्छी चीज बनाई जा रही है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, मोदक सुगंधम अनुभवन, लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करते हुए प्रसन्न बना प्रसन्न मन से चंदन सदा प्रवेश की चंदन वहां पर प्रवेश करता है। अब चंदन से कहता है आहा, अरे सुगंध तो मनोहरा, सुगंध तो बड़ी मनमोहक है। लड्डुओं की सुगंध बहुत ही अच्छी है, सुगंध से पता चल रहा है लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट है। तो सुगंध तो मनोहरा, सुगंध तो मनमोहक है। विलोक फिर वो देखता कि उसकी पत्नी बैठी हुई लड्डू बना रही है। देख कर कहता है अरे अरे मोदकानी रचयन्ते, मोदकानी यानी लड्डू, रचयन्ते यानी बनाए जा रहे हैं। अपनी पत्नी से कहता है अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न मन प्रसन्ना भूत्वा, और वो प्रसन्न होकर के कहता है आस्वाद्यामि तावत, तावत यानी तो आस्वाद्यामि यानी मुझे चखा। अपनी पत्नी से कहता है तो मुझे चखा, मैं लड्डू बनाए जा रहे हैं तो मुझे चखाओ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छन्ति, ये कहकर वो लड्डू को ग्रहण करना चाहता है, लड्डू को लेना चाहता है, लड्डू थाक में रखे हुए। तो ये कहकर के मुझे लड्डू चखाओ, वो लड्डू को लेना चाहता है। तो मल्लिका जो उसकी पत्नी है स क्रोधम, उसे गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से के साथ क्या कहती है? विरम विरम, रुको विरम यानी किसी को रोकना, रुको रुको। मा स्पृश, मा यानी मत, मना करने के लिए, और स्पृश यानी स्पर्श करो, इसको स्पर्श मत करो, इसको मत छुओ। एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को, एतानी मोदकानी मा स्पृश, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन जैसे ही लड्डुओं को हाथ लगाना चाहता है तो गुस्से के साथ मल्लिका उससे कहती है रुको, इन लड्डुओं को मत छुओ, इन्हें हाथ मत लगाओ। तो चंदन कहता है किमर्थम, किस लिए क्रुद्यसी क्रोध कर रही हो, तुम किस लिए क्रोध कर रही हो, तुम किस लिए गुस्सा कर रही हो? तब तुम्हारे हस्त निर्मितानी, हाथ से बनाए हुए मोदकानी लड्डुओं को दृष्टवा यानी देखकर। फिर अपनी बात रखता है कि तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर अहम यानी मैं जिह्वा लोलुपता, अपनी जीभ के लालच को नियंत्रित करने में अक्षमा अस्मि, अक्षम यानी तुम जानती हो कि तुम्हारे हाथ से बनाए हुए लड्डू मेरी कमजोरी है, उनको देखते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है और मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता। किम न जानसी, क्या नहीं जानती तुम ये, क्या तुम ये नहीं जानती? तो किसी के साथ कि तुम जानती हो कि तुम्हारे हाथ से निर्मित लड्डू को देखकर मैं अपनी जीभ के लालच को नियंत्रित करने में अक्षम हूँ, असमर्थ हूँ, क्या तुम ये नहीं जानते? तुम तो जानते हो तो अच्छी तरह से, फिर मुझे क्यों रोक रही हो? तो मल्लिका कहती है सम्यक जानामि नाथ, यानी स्वामी, संबोधन आया है कि
कि स्वामी सम्यक जानामि, सम्यक यानी भली भांति अच्छी तरह से जानामि यानी जानती हूँ, स्वामी अच्छी तरह से जानती हूँ, भली भांति में जानती हूँ। परंतु एतानि मोदकानि, ये लड्डू पूजा निमित्तानि सन्ति, पूजा के लिए बनाए जा रहे हैं। वो कहती है मैं जानती हूँ कि आप मेरे हाथ के लड्डू को बहुत पसंद करते हैं, तो खाने में नहीं रह पाते, लेकिन ये जो लड्डू है ये पूजा के लिए बनाए जा रहे हैं। तो चंदन कहता है तरी तो शीघ्र क्यों, शीघ्र यानी जल्दी से पूजनम संपादे, पूजा संपन्न कर लो, मेरा जल्दी पूजा संपन्न कर लो, प्रसादम चलिए और मुझे प्रसाद मैं लड्डू का प्रसाद बना रही हो, उसका चलो ठीक है मैं पूजा के लिए है, तभी शीघ्र में पूजनम संपादे, तो शीघ्र ही पूजा को संपन्न कर लो, शीघ्र पूजा को अपनी पूरी कर लो, प्रसादम चल देगी और मुझे प्रसाद। तो ये आपने तीसरे पाठ के नाट्यांश के प्रथम दृश्य की कुछ लाइनें बनाई, मैंने आपको एक शब्द का अर्थ बताते अनुवाद।